सरकार ने विकलांग पेंशन योजना बनाई है ताकि विकलांग जनों का भरण पोषण हो सके, परंतु कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के लोहना गांव में प्रेमचंद सहित 3 लोगों का पेंशन न बनने से काफ़ी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। मैं महेश और ये मेरा समुदाय। आपको क्या समस्या है? समस्या ये है कि विकलांगी शरीर हो गई है, एक कम से कम हमको हो गया 30 साल के लगभग, और चलने नहीं पाते हैं। सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, लिहाज तक पेंशन भी नहीं मिली। खेती बाड़ी थोड़ी है, वही नाम मात्रा का, और चार बच्चे हैं, औरत कमा के खिलाती है, कोई देने वाला है नहीं, बीमार पड़े रहते हैं, कोई दवा तक नहीं हमारा हो पाता है, कोई इस समय हमको इतनी तकलीफ है कि अब कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। क्या आपको पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन? पेंशन नहीं मिलती है, आज तक नहीं मिली हमको। कभी आपने किसी से कहा? बहुत कहा, मंझनपुर दौड़ा, सगल सर्टिफिकेट के बारे दौड़ा, और सर्टिफिकेट बन गया, लेकिन पेंशन अभी नहीं बनी। अब चाहते यही है कि हमारा कुछ सहारा मिल जाए, पेंशन है और कुछ, हमारा इलाज तो चलता रहे, हमारा पेट तो चलता रहे बच्चों का। आपको क्या समस्या है? हमें समस्या सर साहब की नहीं है, हमारे कुछ नहीं है, हमारे गरीब आदमी 6 लड़का हैं, हम क्या क्या खाएं रह के। आपको विकलांग पेंशन मिलता है? हमको कुछ नहीं मिलता है, हमारे समझ में कुछ नहीं है। आप कब से विकलांग है? नानहन से। हम पेंशन बनवाने के लिए कोशिश प्रधान से की ना, प्रधान ने कोई सुनाई नहीं करना। प्रधान के अलावा और कहीं आप ब्लॉक में या तहसील में? गवाह पे अब हमको उत्तर जानकारी उत्तर की ना, हमसे नहीं वो भाया कुछ। यदि विकलांग पेंशन आपकी बन जाएगी तो क्या फायदा होगा आपको? अरे हमारे बच्चों को होगा खाए का, हमारे बच्चों को आगे चल के काम दे, हमों को दे। मैं चाहता हूँ इन विकलांग जनों को पेंशन का लाभ मिल सके ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। इसके लिए कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454-4645-75 पर कॉल कर दबाव बनाने में वीडियो देखने वाले सभी दर्शक मेरी मदद करें। मैं महेश कुमार, कड़ा कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।